ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने याचिका डाली है। संरक्षित क्षेत्र के भी एएसआई सर्वे की मांग की गई है। प्रतिबंधित इलाके में सर्वे कराने की मांग की गई है। नई याचिका में सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी पर एक और याचिका दरअसल डाली गई है, जिसमें यह डिमांड किया गया है कि संरक्षित क्षेत्र पर सुप्रीम कोर्ट से आदेश वापस लिया जाए। यानी इस मांग के साथ ये याचिका डाली गई है और अभी तक जो प्रतिबंधित इलाका है, जहां पर किसी तरह का सर्वे नहीं हुआ है, उस इलाके में भी एएसआई सर्वे की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो तमाम इलाका ज्ञानवापी कैंपस का जो कि संरक्षित क्षेत्र है, अब उसका भी सर्वे किया जाए, इसकी मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, पूरी खबर क्या है जरा बताएं और इस याचिका के जरिए क्या डिमांड की गई है देश की सबसे बड़ी अदालत से? बिल्कुल समीर, देखिए इस याचिका में मांग की गई है कि एएसआई सर्वे कराया जाए जो संरक्षित किया था सुप्रीम कोर्ट ने एरिया 2022 में मई में, तो उस वजू खाना एरिया तो में जो संरक्षण है उसको हटाने की मांग और फिर उसमें एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। क्योंकि याचिकाकर्ता जो हिंदू पक्ष है उनका ये कहना है कि हिंदू वहां पर पूजा करना चाहते हैं क्योंकि कथित तौर पर वहां शिवलिंग है और ऐसी स्थिति में जो संरक्षण का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था उसे सुप्रीम कोर्ट हटा ले और जैसे कि अन्य स्थानों में ज्ञानवापी मस्जिद में जहां पर एएसआई सर्वे कराया गया है वहां पर फिर से एएसआई सर्वे कराया जाए जो संरक्षित क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में तय करेगा कि संरक्षित क्षेत्र से पर जो संरक्षण का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है उसको हटाया जाए या फिर नहीं हटाया जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। यानी ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका डाली गई है, जो संरक्षित क्षेत्र है, जो वजू खाने का इलाका है, उस इलाके का भी सर्वे हो, ये हिंदू पक्ष ने डिमांड की है अपनी याचिका के जरिए।